करके कैसे नमस्कार जी। नमस्कार मुनीश जी। कहाँ मुनीश जी चले मुनीश जी। सर नमस्कार। तारियां रुकने नहीं चाहिए भाई। अमर सिंह जी को चोली बनाकर सम्मानित करेंगे। एक मिनट हमारे जिला के प्रभारी श्रीमान मुनीश शर्मा जी, विधायक श्रीमान राजीव जोगिया जी, उन्हीं के साथ डीडीसी के उपाध्यक्ष श्रीमान रघुनंदन सिंह बबलू जी, मंत्री उनके साथ उपस्थित हमारे हीरानगर के एमएलए श्रीमान कुलदीप जी और भाई बहने, आप सबका इस बैठक में स्वागत है। आगे हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, लेकिन मैं इस गोपाल महाजन जी से आग्रह करूंगा कि इस बैठक को आगे बढ़ाएं। श्रीमान गोपाल महाजन जी। दीप जलते रहिए। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी। जिला के पदाधिकारीगण, हमारे मंडलों के अध्यक्ष, मोर्चा के अध्यक्ष एवं हमारे जभी सभी प्रमुख कार्यकर्ता, अपेक्षित कार्यकर्ता, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी ये कार्यपद्धति रहती है, समय समय पर हमारी संगठनात्मक जो बैठकें हैं वो रहती हैं और संगठन अनुसार हम लोग कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं। पिछले दिनों भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बड़े सारे कार्य पार्टी की तरफ से हमको करने के लिए कहा गया था। मेरी माटी मेरा देश का कार्यक्रम पिछले दिनों हुआ, उसके बाद मन की बात का कार्यक्रम पार्टी की तरफ से हर बूथ पर करने के लिए हमको कहा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हर बूथ पर करने के लिए कहा गया और सेवा पखवाड़ा जो पिछले दिनों हमने जो 17 सितंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस पर हम लोगों ने मनाया, 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, और उसमें हमारा भारतीय जनता पार्टी का संगठन का पखवाड़ा भी रहा, जिसमें हमने बूथ सशक्तिकरण का काम पार्टी की तरफ से हम सबको जो दिया गया था उसको वेरिफिकेशन का काम भी हम लोगों ने करा। जैसे जो भी पार्टी की तरफ से पिछले दिनों काम हम सबको दिए गए, हम सब ने पूरी मेहनत के साथ उस कार्यक्रम को करने का, उस प्रोग्राम को, उस जो भी पार्टी की तरफ से कार्य हमको दिए गए थे हमने पूरी मेहनत के साथ उसको करा है। तो आने वाले समय के लिए भी पार्टी का जो और भी मुझे लगता है कि रोड मैप पार्टी की तरफ से हमको दिया जाएगा। आज हमारे बीच में हमारे महामंत्री जी विशेष तौर पर इस बैठक में पहुंचे हैं। आने वाले समय में किस प्रकार से और गति के साथ हमको कठुआ जिला के अंदर काम करना है, पूरे प्रदेश भर में काम करना है, और आने वाला समय जिस प्रकार आप सब जानते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट समय है, हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि
पंचायत से लेके पार्लियामेंट के जो चुनाव है वो इसी 6-8 महीने में होने वाले हैं। तो हम सब लोगों को आने वाले समय में बहुत और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि संगठन को हम सबसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। और मैं हर बार एक बात कहता हूँ कि हम लोग कठुआ जिला के कार्यकर्ता हैं और कठुआ जिला से विशेष तौर पर बहुत ज्यादा अपेक्षा हर समय संगठन को रहती है। जब भी संगठन का कोई भी कार्य विशेष यहाँ पर करने के लिए पार्टी की तरफ से आग्रह किया जाता है तो बहुत इंपॉर्टेंट जिला के हम लोग बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि आने वाला समय हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब ये चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस देश के एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। तो कहीं ना कहीं ये जो बूथ सशक्तिकरण का काम जो पार्टी की तरफ से हमको करने के लिए कहा गया था, पिछले दिनों हमने वेरिफिकेशन भी जो है वो हमने करी और 2 तारीख तक उसको करनी थी। सभी 8 मंडलों में हमारी उसकी वेरिफिकेशन भी सभी कार्यकर्ताओं की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आदरणीय संगठन महामंत्री जी, किस प्रकार से हम सबसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम लोगों को जो संगठन को और गति के साथ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। तो आज हमारे बीच में आदरणीय महामंत्री जी अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं, उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा और हमारे प्रभारी साहब का, सह प्रभारी साहब का। तो मैं आदरणीय महामंत्री जी के और प्रभारी साहब के बीच में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहूँगा, क्योंकि हम सब लोग काफ़ी समय से आपका रहे हम सबके बीच में उपस्थित सुनील शर्मा जी, इस जिला के प्रभारी मुनीश जी, सह प्रभारी अमर सिंह जी, जिलाध्यक्ष जी रघुनंदन जी, कुलदीप जी, विजय जी, समयाल साहब, रेखा जी और दोनों महामंत्री और मंच का संचालन कर रहे मेहता साहब और यहाँ उपस्थित सब कार्यकर्ता साथी और जितनी भी जिला की टीम है, सर्वप्रथम तो आज सुनील जी हम सबके बीच में हैं और हम सबका मार्गदर्शन भी करेंगे। बड़ी देर के बाद इनका इस जिले में और ऑफिशियली बैठक लेने हम सबके बीच में पहुँचे हैं। जो आज आगे का कार्यक्रम होगा कि आने वाले दिनों में हमने क्या करना है उसका, वो कार्यक्रम हम सबसे साझा करेंगे। मगर मैंने कहा कि सुनील जी बड़ी देर के बाद आए हैं तो गोपाल जी ने स्वागत तो किया है, मगर एक कुलीग होने के नाते हम सब इकट्ठे ही MLA थे और सुनील जी आज हम सबके बीच में हैं तो मैं सबको कहूंगा एक बार गर्मजोशी से ताड़ियों के साथ। क्या कार्यक्रम है मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है हम सब बहुत समय से इंतज़ार कर रहे थे और कहीं जाम में इनका फंसना हुआ, पीछे क्योंकि बसोली से बैठक लेके यहाँ पे आए। मेरा निवेदन है जो साथी आए हैं खुद ही कुर्सियाँ खोल लें और बैठ लें। सुनील जी की एक और बड़ी खासियत है कि जहाँ जाते हैं नई ऊर्जा भरने का हमेशा काम इन्होंने किया है और विशेष तौर पे जब से ये सरकार गिरी है पिछले 5 वर्ष से लगातार ऐसे प्रदेश महामंत्री इन्होंने कश्मीर में काम किया है और अनथक प्रयास और जो एफर्ट्स करके जो माहौल जो वातावरण कश्मीर में आज बनाया है, और उसमें भी अगर सबसे बड़ा अगर कोई श्रेय किसी को जाता है तो माननीय सुनील जी हैं। एक बार सबसे एक नई ऊर्जा, आपने देखा होगा कि प्रदेश अध्यक्ष जाते हैं, संगठन मंत्री जाते हैं या दिल्ली से कोई नेता जाता है तो जिस कश्मीर में जो एक माहौल बनाया गया, जो एक परसेप्शन बनाई गई कि ये
370 तोड़ा तो उसके बाद आपको तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। जिस तरीके से जो कश्मीर के लोगों ने जो समर्थन दिया है, जिस विश्वास जो कश्मीर के नौजवानों में खास करके जो माहौल पैदा वहाँ पे किया है, सुनील जी का मैं वहाँ धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए कि आए दिन हज़ारों की तादाद में रैलियाँ होना, और जब 15 अगस्त हुआ, ये वाला रीसेंट अगर पिछले 4 साल के 15 अगस्त की ना बात करें तो रीसेंट 15 अगस्त की बात करते हुए जो माहौल, जो वातावरण और जो तिरंगे जिस तरीके से लहराया, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं इसमें। तो कई बार मैं इनसे मजाक में पूछता भी हूँ कि कहीं मन तो नहीं है कि कश्मीर से चुनाव लड़ा जाए। तो आज हमारे बीच में इसलिए मैं बात रखी कि मेरा एक निवेदन रहेगा सुनील जी के कि जिस तरह आपने एक ग्राउंड बनाया है, जो फील्ड बनाई है कश्मीर में, आप उसकी सब्जुगेशन की जरूरत है, क्योंकि आप अपना इतिहास देखें कि राजे महाराजे अपना इलाका फतह करते थे, एक कमजोरी रह जाती थी, आगे चलते जाते थे, पीछे रह जाता था। पर मैं इनसे ये निवेदन करूंगा कि आप वो ड्यूटी किसी और को दे, इस जम्मू सूबे में जो थोड़ी थोड़ी जो परेशानी है इसको दुरुस्त करने के लिए आपके यहाँ सहयोग की आपकी ज़रूरत है। तो मैं ज़्यादा क्या कहूँगा, मैं यही है कि आप आए हैं, सुबह आपने बसोली में मीटिंग की, और समय समय पे विशेष तौर पे इस जिला कठुआ में हम सबका मार्गदर्शन करते रहे। हम सब आप जितने भी कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सारे आपके पुराने साथी हैं और हम उम्र है, तो आपका समय समय पे हम सबको आशीर्वाद मिले, यही अपेक्षा हम करते हैं। और आज आप इस बैठक के लिए आए, पुनः एक बार आप सबका धन्यवाद करता हूँ। सुनील जी का फिर स्वागत करते हुए यही आशा लेके जाता हूँ कि समय समय पर इस जिला कठुआ को भी आप समय देते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इस बैठक एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक को लेने के लिए आपने देखा अभी सुनील शर्मा जी जो हमारे महामंत्री है, जैसे राजीव जी ने कहा कि कश्मीर को मुख्य रूप से महामंत्री होने के नाते जो पूरा कश्मीर 10 के 10 जिले जो कश्मीर के हैं उनको पार्टी की तरफ से देखते हैं, और आज कश्मीर में भी अगर भारत माता की जय जो है बोला जा रहा है तो उसमें सुनील शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, इस बैठक की महत्वपूर्णता अपने आप में दिखती है। आउटरीच का कार्यक्रम है, लोगों में जाने का कार्यक्रम है। आप सब लोग पहले से ही लोगों के बीच में, और लगातार जब से आपको पार्टी ने जिम्मेवारी दी है, समाज ने जिम्मेवारी दी है, आप लगातार लोगों के बीच में, मैं भी देखता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी देखता हूँ, समाचार पत्रों के माध्यम से भी देखता हूँ, मीडिया के माध्यम से भी देखता हूँ कि आप अपनी अपनी जगह पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाज के लिए और पार्टी के लिए करते रहते। लेकिन एक विशेष कार्यक्रम जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसको जिसमें 5 हिस्सों में इस पूरे प्रदेश को बांटा, जिसमें जैसे सुनील जी आज हमारे यहाँ कठुआ में आए हैं, सुबह 11 बजे पहाड़ी जिला बसोली में थे, अभी यहाँ पे आए हैं, कल सांबा में होंगे सुबह। इसी तरह हमारे संगठन महामंत्री अशोक कौर जी नौशहरा, रजौरी और पुंछ में होंगे, हमारे अध्यक्ष रविंदर रैना जी डोडा, रामबन, किश्तवाड़ में होंगे। इन सब ने 5 हिस्सों में इस प्रदेश को बांटा है, और आप इसकी महत्वपूर्णता खुद देखिए कि कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस लेवल के लोग जो हैं खुद बैठ के लेने के लिए जिला वाइज प्रवास कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप सबसे भी निवेदन है कि सुनील जी जब बोलें तो उसको बड़े ध्यान से हम सब लोग सुने। दूसरा, जिन्होंने तो कॉपी पेन लाया वो नोट भी करें, जिन्होंने नहीं लाया वो अपने दिमाग में नोट करें कि हमें करना क्या है, हमारे इस कार्यक्रम के लिए
हम यहाँ इस बैठक में आए हैं तो आगे कार्य हमारे लिए क्या आवंटित हो रहा है, ये सब भी हम उसमें रखें। और दूसरा, उपस्थित सभी ऑनरेबल डीडीसीज, बीडीसी चेयरमैन, सरपंचेस, मंडलों के अध्यक्ष, जिला के पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष और इसके अतिरिक्त भी हमारे सम्माननीय कार्यकर्ता बंधुओं, तो रह तो नहीं गया मंच पर, आप भी मानते हैं और यहां से भी मंच से भी कहा गया कि बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। अगर बैठक महत्वपूर्ण है तो इसका सीधे सीधे मतलब यह है कि भाई महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया गया होगा। आप सब लोग पार्टी की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेष है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस विशेष बैठक में आप लोगों को बुलाया गया है। कोई भी जब युद्ध लड़ा जाता है या जंग लड़ी जाती है तो ऐसा नहीं कि सारी सेना को बैठ के कोई योजना बनाई जाती है, सारी सेना यहां पे आ जाए और सेना के साथ संवाद हो, चर्चा हो और युद्ध कैसे लड़ा जाए, ऐसा नहीं होता है। सेना में कुछ सेक्शंस होते हैं, पलटून कमांडर वगैरह, तो ऐसे लोग जिन्होंने नेतृत्व करना होता है उस सेना का, उस युद्ध का, ऐसे लोगों के साथ बैठ के रणनीति बनाई जाती है, युद्ध नीति बनाई जाती है। और 2024 का जो युद्ध होने जा रहा है, उस युद्ध का आगाज इन्हीं बैठकों में हो रहा है। ये नीति उसी युद्ध के लिए है, रणनीति उसी युद्ध के लिए है, इसीलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट लोगों को, जिनके ऊपर, जिनके कंधों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की जिला की कमान है, जिम्मेदारी है, ऐसे आप सब लोगों को बुलाया गया है। और जिस प्रकार से यह कहा गया कि भाई मैं मार्गदर्शन करूं, मैं वैसे इतना बूढ़ा नहीं हो गया हूं कि मैं मार्गदर्शक मंडल में अभी जाऊं, अभी तो मैं आपसे भी काफी लोगों से छोटा हूं, विशेषकर राजीव जी से। तो मार्गदर्शन कोई वरिष्ठ नेता करता है, वयोवृद्ध नेता करता है, बुजुर्ग नेता करता है, जिसके पास लंबा अनुभव हो। तो मैं अभी आंदोलनकारी हूं, लड़ने वाला हूं, क्रांतिकारी हूं, जूझने वाला हूं, इसलिए मैं मार्गदर्शन नहीं करूंगा, मैं आपसे ही कुछ चीजें सीखूंगा, मेरा ऐसा मानना है। साथियों, बहुत सारे लोग जब नेता बन के किसी जिले में जाते हैं या किसी प्रदेश में जाते हैं तो ऐसा फीलिंग अपने आप को देते, नहीं हम कुछ स्पेशल है इसलिए यहां पे आए हैं, इसलिए भेजा गया है, बस मेरा काम है हाथ में माइक पकड़ना, थोड़ा सा अपने रूप में बात करना, तो मैं थोड़ा सा इस चीज को नहीं मानता हूं। मेरा इसमें एक दृढ़ निश्चय है कि मैं इस सब सारी महफिल में सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझसे अनुभवी लोग आप हो, बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहां पे बैठे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन दिया होगा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगानी दी होगी, मेरे से ज्यादा टाइम दिया होगा, मेरे से ज्यादा लड़े होंगे, तो मैं कैसे बोलूं कि भाई मैं आपसे बड़ा नेता हूं, नहीं, मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं। हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में एक व्यवस्था रहती है, एक अरेंजमेंट रहता है व्यवस्था के नाते। आज मेहता साहब जनरल सेक्रेटरी है, कल कोई और था, मेरे से पहले राजीव जसरोटिया जी जनरल सेक्रेटरी थे, मेरे बाद कोई और होगा, मींस व्यवस्था है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का पालन करने के लिए, निर्वहन करने के लिए हम लोग भेजे जाते हैं, अन्यथा हमारे पास कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन नहीं है कि हम नेता बहुत बड़े हैं और आपको कोई मार्गदर्शन करें। इसलिए इस बात को मैं खारिज करता हूं कि मैं कोई आपके बीच में नेता बन के मार्गदर्शन करने आया हूं। एक व्यवस्था के नाते, एक अरेंजमेंट के नाते मुझे यहां पे भेजा गया है, कल मेरी जगह कोई और होगा, वो यहां पे होगा, वो बात करेगा, पार्टी का संदेश लाएगा, हम सुन रहे होंगे, तो एक व्यवस्था है।